जिला सिवनी मध्य प्रदेश के लखना दौन विकास खंड के धूमा क्षेत्र में नागन देवरी पंचायत से ग्राम बुढ़वानी पंचायत डोंगर गांव के बीच का 6 किलोमीटर दूरी का रास्ता बहुत ही खराब है, जहां पर सबसे अधिक मात्रा में आदिवासी लोग निवास करते हैं। यहां के सड़क मार्ग की स्थिति इतनी खराब है कि यहां पर वाहन साइकिल चलना तो दूर, पैदल चलना बहुत मुश्किल है। यहाँ के रास्ते में बहुत अधिक गिट्टियाँ तथा बड़े बड़े पत्थर हैं, जिससे ठोकर खाकर यहाँ के बच्चे तथा ग्रामवासी गिर जाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है। ग्रामवासियों के साथ साथ सबसे अधिक परेशानियाँ यहाँ के बच्चों अर्थात छात्र छात्राओं को होती है। यहाँ के बच्चे रोज 6 किलोमीटर दूर पैदल नागन देवरी जाते हैं, जिसके कारण कई बार बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं और शिक्षकों की डांट खाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है। अच्छा, आपकी बच्ची स्कूल पढ़ने जाती थी? जी। कहाँ जाती थी? नागन देवरी। कितनी दूर है आपके गांव से नागन देवरी स्कूल? 5 किलोमीटर। अच्छा, क्या अभी पढ़ रही है वो? नहीं, छोड़ दें। क्या कारण है जो उसने पढ़ाई छोड़ दी? आने जाने में परेशानी होती, पैदल जाते तो फेल हो गए, इसलिए छोड़ दें, थक जाते। उन्हें साइकिल मिली होगी ना स्कूल से? जी हाँ, मिली थी। रोड खराब होने के कारण गिट्टी है रोड में, तो वे टूट फूट गई। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? साइकिल मिली थी, पंचर हो जाती थी तो लेट पहुंच जाते तो सर डांटते थे, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। कितनी दूर है आपका स्कूल आपके गांव से? 4 किलोमीटर। आप कैसे जाते हैं अपने स्कूल? पैदल जाते हैं। और साइकिल मिली होगी आपको स्कूल से तो? हाँ, लेकिन रोड खराब होने के कारण वो 2 दिनों में ही पंचर हो जाती। फिर सुधराते नहीं है? सुधराते, लेकिन यही हाल होता है। मैं यहाँ पे एक कार्यकर्ता की भूमिका में इन गांव को देखता हूँ, और इन गांव में मैं लगातार महीने में 2 बार इसी रोड से आना जाना करता हूँ, लेकिन ये रोड इतनी ख़राब है। मेरी भी गाड़ी इस रोड पे 1-2 बार पंचर हो गई और मुझे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे 100 से 150 बच्चे करीब हैं इन गाँव में जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्ची और बच्चे, लेकिन उन्हें साइकिल तो दी गई है सरकार के द्वारा, लेकिन वो साइकिल इस रोड पे नहीं चल पा रही। क्यों नहीं चल पा रही है कि इस रोड में जो जो है, ये जो रोड है ये PWD विभाग से बनी हुई थी जो लगभग 7-8 साल पहले, और ये रोड की इतनी बुरी हालत है कि ये पूरी गिट्टी इसकी उधड़ गई, खुल गई, जिसके कारण यहाँ परेशानी हो रही है। तो इससे आपको क्या परेशानी होती है रोड खराब होने से? जाने से चोट लग जाती है, कहीं लेट हो जाते हैं, मैम डांटती हैं, घूम कर जाना पड़ता है कभी कभी। इसकी वजह से हमारी सहेलियां स्कूल भी छोड़ दी हैं कई लोगों ने। लौटते समय भी उनको शाम में लगभग उनकी 4:30 बजे छुट्टी होती है, तो घर आते आते उनको 6 बज जाते हैं। सनई कचार के बच्चों को तो 6:30 और 7 बजे मतलब काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो ऐसे में उनके पालकों पे भी थोड़ा एक डर बना रहता है कि हमारी बच्ची अभी तक नहीं आई है, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो ये भय बना रहता है कि कोई हादसा ना हो गया हो। तो इस कारण यहाँ मैंने देखा हूँ, जब मैं हम बैठक करते हैं रात्रि में समुदाय के साथ उनके पालकों के साथ, तो वो बताते हैं कि साहब ये रोड खराब है, कई दिनों से है, इसकी शिकायत हमने किए हैं। और मैंने भी खुद 2 बार इनके जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है, सांसद है, उनको अपना लेटर बना के, ज्ञापन बना के उनके सौंपे हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस समस्या को लेकर हम यहाँ के विधायक और यहाँ के CEO के पास जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि वह इस नंबर पर कॉल कर अधिकारियों पर दबाव बनाए। जिला कलेक्टर महोदय श्री भरत यादव, जिनका मोबाइल नंबर है 9425827500, जिला CEO प्रियंका दास, जिनका मोबाइल नंबर है 7898332800।
4444। मैं रेखा वांगरे, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।